एनएसई को लोकेशन घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण को गिरफ्तार किया है। रवि नारायण की जांच एनएसई को लोकेशन घोटाले के साथ साथ कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में भी हो रही है। रवि नारायण की गिरफ्तारी एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णन, पूर्व संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम और मुंबई पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी संजय पांडे के बाद हुई है। सभी पर हेराफेरी का आरोप है। तो आपको बता दें कि एनएसई को लोकेशन घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे सहयोगी भवतोष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, तो एक और गिरफ्तारी, चौथी गिरफ्तारी है, और भी कुछ खुलासे अब सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में, किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, किस तरीके से हेराफेरी हुई? देखिए, ये बहुत बड़ी और अहम गिरफ्तारी है, क्योंकि रवि नारायण जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे और अप्रैल 1994 से लेके मार्च 2013 तक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। कल उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोलोकेशन एल्गोरिथम स्कैम और इलीगल फोन टैपिंग के केस में उनको बुलाया था क्वेश्चनिंग के लिए। इनकी पहले भी क्वेश्चनिंग इस केस में मई से हुई थी और क्वेश्चनिंग के बाद कल रात इनकी गिरफ्तारी की गई थी, जो काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले उनको एक विटनेस और गवाह की तरह उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब पहली बार इनसे, जब इस पूरे केस में इनसे पूछा जा रहा था कि फोन टैपिंग क्यों की गई थी, इलीगल फोन टैपिंग क्यों की गई थी, तो उनके पास कोई आंसर्स नहीं थे। इस वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी गिरफ्तारी की गई थी। देखिए, इस पूरे मामले में चित्रा रामकृष्णा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। उसके बाद मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं संजय पांडे, उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। देखिए, ये पूरा के पूरे कई सारे मामले इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कोलोकेशन एल्गोरिथम स्कैम, उसके बाद इलीगल फोन टैपिंग केस, इसमें आनंद सुब्रमण्यम की भी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी, चित्रा रामकृष्णा की भी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। चित्रा रामकृष्णा से पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तिहाड़ जेल में जाके की थी। इसमें एक सेपरेट मामला इलीगल फोन टैपिंग का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया था और सीबीआई ने रजिस्टर किया था। उसके बाद चित्रा रामकृष्णा की गिरफ्तारी की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और अब रवि नारायण, जो कि बहुत बहुत बड़े अधिकारी थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे, उनकी गिरफ्तारी करके बहुत चौंकाने वाला स्टेप लिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इससे पहले आपको बता दें, तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिसमें कि चित्रा रामकृष्ण शामिल है, संजय पांडे हैं और आनंद सुब्रमण्यम है, और अब ये चौथी गिरफ्तारी। इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।